फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन नमोकार गेमिंग वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूं, उसे देखकर खुद आप सरप्राइज रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी खुद की क्या प्रतिक्रिया है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर ही देंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, पहला इंडियन कपल जो सबसे पहले एक्सबॉक्स एंड प्लेस्टेशन की सभी लेटेस्ट गेम्स आपके लिए हिंदी में लाइव करता है, तो प्लीज हमारे चैनल नमोकार गेमिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो हो जाए। सबसे पहले दोस्तों, आपको इस वेबसाइट पर जाना है जिसका नाम है coolrom.com। जी हाँ, यहाँ पे आपको जितने भी जो आज तक प्लेटफॉर्म बने हैं, जो NES हो, स्टार्टिंग NES से हुई थी, निंटेंडो से जहाँ पे आपने सुपर मारियो कॉन्ट्रा खेली थी, वहाँ से लेकर प्लेस्टेशन 2, 3 के आपको सभी रोम्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इस वेबसाइट पे आपको प्लेस्टेशन 2 तक के रोम्स देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं प्लेस्टेशन 2 की एक फाइल को। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो हम कोई गेम चूज़ कर लेते हैं, और गेम कोई भी हो सकती है दोस्तों। जैसे हम चूज़ कर लेते हैं इनमें से अगर कोई गेम की हम बात करें तो दोस्तों, वैसे मेरी जो फेवरेट गेम है गॉड हैंड, आपने पता नहीं खेली कि नहीं खेली है वो गेम। तो दोस्तों, मैं उस गेम की फाइल डाउनलोड करने वाला हूँ सबसे पहले आपके सामने। आप देख सकते हैं नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट के थ्रू भी यहाँ पूरा एक लिस्ट दे रखी है, सेटअप दे रखा है, ये रहा गॉड हैंड। आप इस पे दोस्तों क्लिक करें, जो भी आपकी फेवरेट गेम है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप गॉड हैंड ही क्लिक करें। ये मेरी फेवरेट गेम है तो इसलिए मैं आपको इसका एक तरह से ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ। तो इस ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके में नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अल्टरनेटिव लिंक, आपको सिर्फ इसी पर क्लिक करना है, ना इधर करना है ना इधर करना है। कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आपके ऐड शुरू हो जाएंगे और इस तरह की चीज़ें, ये सब फेक कंटेंट होते हैं या फेक लिंक होते हैं पैसा कमाने के लिए। सिर्फ आपको इस जेन्युइन लिंक पर जाना है, क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप मैसेज पढ़ सकते हैं, वी यू आर स्पॉन्सर मैसेज बिलो लाई योर डाउनलोड लिंक अपीयर इन 7 सेकेंड, ये जो भी टाइम लिखा हुआ आ रहा है तो ये 10-12 सेकेंड कुछ लेता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड योर फाइल का, तो आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है सिंपल सा। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको गेम्स की फाइल दिखाई दे गई जिसका साइज है 956 MB। आप इसे स्टार्ट डाउनलोड कर दें, डाउनलोड आपका होना, ये फाइल आपकी होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये फाइल डाउनलोड होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, इतने ये फाइल डाउनलोड हो रही है, मैं आपको समझा देता हूं कि ये फाइल डाउनलोड करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, ये सभी गेम्स, जैसे आप जो प्लेस्टेशन 2 में, अगर मुझे नहीं पता आपके कितने लोगों के पास प्लेस्टेशन 2 रहा है तो आपको पता होगा उस बारे में। तो प्लेस्टेशन 1 में CD-यां यूज़ होती थी और प्लेस्टेशन 2 में DVD यूज़ होती थी। तो प्लेस्टेशन 1 और 2 की जो CD और DVD की जो फाइल है, का जो डेवलपर्स हैं और कुछ हैकर्स हैं, उन्होंने coolrom.com नाम की जो ये वेबसाइट बना रखी है, इस पर वो सभी फाइल्स को उन्होंने अपलोड किया हुआ है। अब वहाँ से अब आपको CD या DVD लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सा ये यहाँ पर जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, जो भी आप गेम का डाउनलोड करना चाहें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जब ये डाउनलोड आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है इस वेबसाइट पर जिसका नाम आप देख सकते हैं ऊपर। इसका वैसे मैं आपको बता दूं, इन दोनों की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको ये पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा उसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है PS2 क्लासिक। ये सबसे ऊपर जो ऑप्शन आता है, ये आता है param.sfo एडिटर लिखा हुआ, लेकिन आपको इस पर क्लिक नहीं करना, आपको नीचे आना है PS2 क्लासिक GUI वर्जन 1 पर। तो इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, और ये एक सॉफ्टवेयर की ही मदद से आप प्लेस्टेशन 2 की गेम प्लेस्टेशन 4 के लायक बना पाएंगे। वो कैसे, मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो दोस्तों, मेनली मैं आपको इतने बता देता हूँ हमारी जो गेम डाउनलोड हो रही है इतने, कि ये प्लेस्टेशन 2 का जो ये सॉफ्टवेयर है, ये हमारे बेसिकली काम आता है प्लेस्टेशन 2 की गेम्स को PS4 में कन्वर्ट करने के लिए। ये प्लेस्टेशन 2 की, क्योंकि जो फाइल है वो ISO फाइल है, और प्लेस्टेशन 4 जो सपोर्ट करता है वो करता है PKG फाइल को सपोर्ट। तो दोस्तों, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको प्लेस्टेशन 2 की जो फाइल है उसे डाउनलोड करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना होगा, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता भी देता हूँ कि ISO फाइल और PKG फाइल में क्या फ़र्क होता है। जैसे कि मैंने आपसे बताया
जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी यानी कि जो प्रीवियस प्लेस्टेशन की गेम्स थी वो आईएसओ फाइल में कन्वर्ट की जाती थी, लेकिन जो प्लेस्टेशन 4 है उसमें पीकेजी फाइल सपोर्ट करती है। प्लेस्टेशन 3 में भी पीकेजी फाइल सपोर्ट करती थी, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो प्लेस्टेशन 4 में पूरी तरह से पीकेजी फाइल सपोर्ट करती है। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है आईएसओ फाइल को पीकेजी में कन्वर्ट करने की। जैसे कि इस तरह से मैं आपको एक अगर बहुत सिंपल एग्जांपल में समझाऊं, अगर आपको किसी गाने को ऑडियो में सुनना है तो आपको वीडियो को कन्वर्ट करना पड़ता है MP3 में, तभी आप उसे ऑडियो में सुन पाते हैं। उसी तरह से ये हमारा जो सिस्टम है प्लेस्टेशन 4 का, वो भी सपोर्ट करता है पीकेजी फाइल। तो उसे अपने मतलब की फाइल चाहिए होती है, जिसके लिए हमें अभी गॉड हैंड जो गेम है उसे कन्वर्ट करना है। तो अब मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, ये एक मिनट के अंदर डाउनलोड होने वाली है गेम। ये दोस्तों सबके नेट इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, मेरे यहाँ जो स्पीड आ रही है वो 3 Mbps की अप्रोक्सीमेट स्पीड आ रही है, ये जो घटती बढ़ती रहती है क्योंकि इंडिया में इतना नेट अच्छा नहीं है। आपके यहाँ क्या स्पीड आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप भी ज़रूर बताइएगा मुझे। तो आप यहाँ से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ईजिली। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इतने दोस्तों हम ये सॉफ्टवेयर जो मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है जिससे इसमें भी ज़्यादा टाइम ना लगे, तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है PS2 क्लासिक, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है एप्लीकेशन फाइल्स में, आपको इन दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं करना। क्लिक करने के बाद आप फिर दोबारा से जाएंगे और ये जो आप देख रखे हैं ये प्ले स्टेशन का आइकन जो बना हुआ है आपको सिंपल इस पर दो बार क्लिक कर देना है। आपने देखा जैसे कि दो बार क्लिक हो गया है, उसके बाद आप मिनिमाइज कर लें। इतने दोस्तों आपको एक काम और भी करना होगा, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है यूनिटी, यहाँ पे भी यूनिटी लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आप अपनी फाइल को पीकेजी यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे तो आपकी जो PS4 के अंदर जो फाइल शो करेगा वो यूनिटी के ही नाम से करेगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना है, गूगल पर जाना है, जैसे हमने गेम डाउनलोड की है गॉड हैंड, तो आपको गॉड हैंड सर्च करना है। उसके बाद दोस्तों आपको दो इमेज डाउनलोड कर लेने हैं गेम्स के, आप कोई भी इमेज चूज कर सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। एक मैं इमेज ये ले लेता हूँ, सेव, और एक इमेज मैं दोस्तों ले रहा हूँ लार्ज फाइल करके ये, तो दोस्तों इसे भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज एस, ओके। तो अब ये दोस्तों हमने क्यों डाउनलोड किए ये आपको समझ आ जाएगा। ये चेंज बैकग्राउंड जो लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है, फिर आपको इस फाइल को इंपोर्ट कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लिखा है चेंज आइकन इस पर क्लिक करके आपको ये आइकन लगा देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल लिखा हुआ है नीचे, इस टाइटल में आपको लिखना है गॉड हैंड PS2, जो भी आप टाइटल का नाम देना चाहेंगे वही टाइटल वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो करेगा प्लेस्टेशन 4 में। वो कैसे करेगा अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ वहाँ पर भी ले चल के। सबसे पहले हम अभी कर लेते हैं अपनी फाइल्स को, ये जो हमारी गॉड हैंड फाइल डाउनलोड हुई है दोस्तों आपकी भी कुछ ऐसी ही फाइल डाउनलोड होगी, ये होती है विंड्रायर फाइल जिसे आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तो आप इसे सिंपल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो आइकन आया है बना हुआ ये हमारी इमेज फाइल, इसे ही बोला जाता है इमेज फाइल। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मैं आपकी इसकी प्रॉपर्टीज भी दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ शो करेगा इसे ये .iso, ये इसका ISO फाइल बोला जाता है इसे। तो आप ध्यान रखें दोस्तों आप जो भी गेम डाउनलोड करें वो सिर्फ ISO में ही डाउनलोड करें, कई जगह आपको बिन फाइल भी मिलेगी, कई जगह आपको अलग अलग तरह के फोल्डर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन आपके वो कोई भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसे एक सिंगल फाइल चाहिए होती है इस कन्वर्टर को जिसका नाम है ISO। तो आप सिर्फ वही फाइल इसके अंदर एक तरह से इम्पोर्ट करें तभी ये आपको PKG बनाकर देगा। तो जैसे कि अब हमारी एक्सट्रैक्ट होने वाली है फाइल पूरी, दोस्तों प्लेस्टेशन 2 में बहुत अच्छे अच्छे गेम्स बनी हैं, बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स आते रहे हैं प्लेस्टेशन 1 के टाइम से। प्लेस्टेशन 1 में मैं पेप्सी मैन मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मेटल स्लग मुझे बहुत पसंद थी गेम। आपको भी कौन कौन सी गेम पसंद है और आप कंसोल कब से यूज़ करते आ रहे हैं तो ये चीज़ भी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं। और आपको अभी तक वीडियो को समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक भी लगातार करते रह सकते हैं हमारी वीडियोस पर। जैसे कि आपने देखा ये इमेज फाइल हमारी डाउनलोड हो गई, इस पर आप क्लिक करें, इस फाइल को आपको ओपन कर देना है। उसके बाद आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, क्रिएट PS2 क्लासिक पर क्लिक कर देना है।
अब ये पूछ रहा है कि इस फाइल को आप कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे। तो दोस्तों ये अब आपका फॉर्मेट होना, एक तरह से कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। तो वो अब उसका फॉर्मेट रीड करके उसकी पीकेजी फाइल आपको बनाकर देगा। पीकेजी फाइल देखने में कैसी होती है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो रही है। जैसे कि दोस्तों यहाँ लिखा हुआ आ गया कन्वर्ट कंप्लीटेड, आप नीचे मत जाइए, ये प्रोसेसिंग दिखाता रहेगा आपको, लेकिन आप जैसे ही ओके करेंगे आपकी ये फाइल्स आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो ये दोस्तों ये आपकी फाइल है जहाँ जिसका साइज अब बनकर हुआ है 1.48 GB। ये आपकी दोस्तों इमेज फाइल ही है और उसी का ये साइज दिखा रहा है पीकेजी, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता। जो विंडरर फाइल होती है उसका साइज जबकि हमारा 956 MB था, लेकिन अगर आप उसे एक तरह से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं तो उसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि विंडरर जो फाइल होती है वो थोड़ी कंप्रेसिव फाइल होती है। तो अब इस फाइल पे भी हम अपना गॉड हैंड लिख देते हैं। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इससे आपको आसानी रहेगी अगर आप बहुत सारी गेम्स को डाउनलोड करना चाहते हैं एक साथ। तो गॉड हैंड PS2 मैंने इस पर भी टाइप कर दिया। उसके बाद आपको दोस्तों सिंपल सा क्या करना है, इसे उठाकर कॉपी कर लेना है अपनी हार्ड ड्राइव में, जो भी आपकी दोस्तों हार्ड ड्राइव है। तो मैंने गॉड हैंड एंड PlayStation की टेकन 5, ये दो गेम्स मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं। तो अब मैं आपको इन दोनों का ही डेमो ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ। तो मुझे लगता है अब हमें यहाँ कंप्यूटर से विदा ले लेनी चाहिए और जाना चाहिए अपने PlayStation 4 कंसोल पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक 55 इंच की स्क्रीन है। अब आप देखेंगे कि हम प्रीवियस PlayStation की गेम अपने PS4 में कैसे प्ले करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारे पास एक हार्ड ड्राइव है, ये 4 TB की हार्ड ड्राइव है जिसमें कि हमने PKG फाइल्स को कॉपी किया हुआ है। अब इस हार्ड ड्राइव को हमने अपने PS4 Pro से अटैच किया, ये इसका कनेक्टर है यहाँ पर, और यहाँ से हमने अटैच कर दिया। और आगे का प्रोसीजर आपको राहुल जी बता रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे हमने हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर लिया अपने PS4 से, उसके बाद हमें जाना है सेटिंग में। ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो आप देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको डीबग सेटिंग का, उसमें आप जाएंगे। डीबग सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो गेम्स में आपको जाना है, पैकेज इंस्टॉलर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी जितनी भी गेम्स हार्ड ड्राइव में हमारी कॉपी हैं वो सब यहाँ शो करने लगेगा। इसमें मैं आपको फिर बता देता हूँ दोस्तों, PKG ही फाइल इंस्टॉल हो सकती है ओनली। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारी PlayStation 4 एंड प्रीवियस PlayStation की गेम्स मिक्स हैं, क्योंकि हार्ड ड्राइव में आप किसी फोल्डर में आपको गेम को कॉपी नहीं करना होता। नॉर्मली एक तरह से अगर कहा जाए तो हार्ड ड्राइव में ही आपको बिना फोल्डर के गेम्स को कॉपी डायरेक्ट करना होता है। तो अब हम चले जाते हैं अपनी गेम्स पर, जो हमने अभी आपने जैसे देखा था हमने जो फाइल्स कन्वर्ट की थी, इसमें PlayStation 2 की हमारी दो गेम्स कन्वर्ट हैं। एक तो गॉड हैंड है, सबसे पहले हम इस गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में। तो आप देख सकते हैं ये गेम हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। और PlayStation 2 की जैसे आप देख रहे हैं कि गेम बहुत जल्दी इंस्टॉल हो रही है PlayStation 4 के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका साइज बहुत कम होता है। ये अप्रोक्सीमेट जो इनकी गेम्स का साइज होता है ये 4 GB के बिलो रहता है साइज, क्योंकि उस टाइम PlayStation 2 की जब गेम्स आई थी तो 4.7 GB की ही DVD को वो सपोर्ट करता था। PS3 से उन्होंने ब्लू रे जो DVD होती है वो जनरेशन हमारी शुरुआत हुई थी उसकी, जिसमें 15 GB, 20 GB, 50 GB का भी साइज होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे गॉड हैंड 2 हमारी इंस्टॉल हो गई है। तो PlayStation 2 गॉड हैंड ये लिखा हुआ आपने देखा आया है, PS2 ये लिखा हुआ जब आता है ना दोस्तों तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। मतलब ओके दोस्तों ये मैसेज तो मैं भूल ही गया था, चेकिंग मेमोरी कार्ड और ये सब मैसेज आते हैं बहुत, पहले आया करते थे। क्या बात है, ये देखिए दोस्तों ही जी नॉर्मल।
तो हम नॉर्मल में गेम को प्ले करते, हमें किसी का डर थोड़ी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या बात है, एक तरह से इस गेम में दोस्तों सिर्फ आपको सिर्फ गेम प्ले का ही मजा नहीं मिलेगा, जो सिनेमेटिक पार्ट होता है ये प्लेस्टेशन 2 के टाइम से एक तरह से शुरुआत इसकी हुई थी सही तरह से। अगर हम बात करें वैसे तो प्लेस्टेशन 1 में भी कुछ गेम्स है जिनका सिनेमेटिक पार्ट आया करता था, लेकिन प्लेस्टेशन 2 में एक तरह से सही स्टोरी मोड आप देख सकते हैं, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर भी उसी टाइम की सीरीज है। तो आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप चाहते हैं कि मैं गॉड ऑफ वॉर भी आपको इसमें प्ले करके दिखाऊं, 1 और 2 जो प्लेस्टेशन 2 के लिए बनी थी, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी हम गॉड ऑफ हैंड का मज़ा ले लेते हैं थोड़ा। तो ये हमारी गेम शुरू हो गई। ओके क्या बात है, वाह 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 वाह। ये दोस्तों मैं स्क्वायर बटन से मार रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, और ये जो जोस्टिक आती है वो सेम वही बटन आ रहा है बना हुआ, और ये आर जोस्टिक का काम है। क्या क्या बात है, कैरी। ओके मुझे लगता है ये डब्बा भी हम फेंक सकते हैं, बटन आपके सामने स्क्रीन पे। क्या बात है, इस मोटू के हमने ये डब्बा मार दिया। अब मुझे लगता है हमें दोबारा से वो और कुछ उठा लेना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है उठाने के लिए, देखते हैं कुछ और मिल जाए तो। ये देख सकते हैं दोस्तों, मतलब ये चीज़ बहुत कमाल की है इस गेम में, मतलब आप कोई भी सामान उठा सकते हैं उसके थ्रू आप, मतलब काफ़ी क्या बात है। देख रहे हैं दोस्तों आप, मतलब कितना मज़ा आ रहा है इस गेम को खेलने में, मतलब मन ही नहीं कर रहा कि इस गेम को, मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं इस गेम की लाइव स्ट्रीम आप लोगों के लिए मतलब लेकर आऊं। और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस गेम का लाइव स्ट्रीम करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और प्लेस्टेशन 2 की कोई आपकी बहुत पसंदीदा गेम जो आप चाहते हैं कि उस गेम की स्टोरी के बारे में आपको जानना हो, किसी और चीज़ के बारे में आपको पता करना हो, तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अब दोस्तों हम इंस्टॉल करते हैं टेकन 5, इस पर क्लिक करेंगे। यस, तो ये दोस्तों हमारी टेकन 5 भी इंस्टॉल होनी शुरू हो गई है। इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये गेम भी हमारी 4GB से नीचे की गेम है, और अब देखते हैं उसके बाद हमारी गेम्स प्ले होती है या नहीं होती, और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमने आपको वेबसाइट का लिंक दे रखा है जहां आप जाकर प्लेस्टेशन 2 की ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखें कि प्लेस्टेशन 2 की कोई भी गेम्स को आप डाउनलोड करेंगे, या 1 की गेम्स को डाउनलोड करेंगे, 3 की गेम्स को डाउनलोड करेंगे, वो आपको सिर्फ ISO फाइल ही डाउनलोड करनी है, ना ही कोई दूसरी फाइल। अगर वो आपकी ISO फाइल नहीं होती तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो कन्वर्टर है वो ISO 2 PKG फाइल को ही कन्वर्ट करता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ये गेम्स इंस्टॉल होने के बाद हम दोनों गेम्स को प्ले करके देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले हम गेम लगाएंगे टेकन 5, क्योंकि ये फाइटिंग गेम है और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस गेम को खेलने की, क्योंकि मुझे याद है अभी भी जब प्लेस्टेशन 2 में टेकन 5 मैंने खेली थी तो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था इस गेम को खेलने का। टेकन 4 मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी। तो देख सकते हैं दोस्तों ये आइकन भी आ गया हमारा बना हुआ गेम का। और इसके अलावा हम बात करें, ओके तो दोस्तों देख सकते हैं आप टेकन 5 हमारी इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद दोस्तों आप ये मैसेज को ध्यान से देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग इंटरनल एरर, वीडियो रिकॉर्डिंग हैज बीन अबॉर्टेड। ओके, तो आप इसका मतलब ये है कि आप अपने प्लेस्टेशन 4 में जो आपको एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाता है शेयरिंग बटन पर, तो वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उससे हमें रिकॉर्ड करके करना भी क्या है, हमें तो गेम का सिर्फ मज़ा लेना है।
तो आप ओके कर दें, आप इससे घबराइए मत, आपकी गेम ज़रूर प्ले होगी। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ प्लेस्टेशन 2 नैमको लिखा हुआ आ गया। अब दोस्तों हम गेम को प्ले कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें स्टार्ट जो बटन है वो आपका टच पैड का राइट साइड है, ना कि ऑप्शन बटन। तो इसमें आप टच पैड के जो आपका राइट साइड होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन का ही काम करेगा एक तरह से स्टार्ट का। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन आ गए इसमें बने हुए। तो हम मीडियम में खेलते हैं और हम आर्केड बैटल लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे प्लेस्टेशन 2 की गेम्स में भी होते थे, कैरेक्टर पूरे अनलॉक नहीं होते थे, इसी तरह से यहाँ भी दिखाया गया है स्क्रीन में। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हम ले लेते हैं मार्शल लॉ और हम खेल कर देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस गेम को खेलने का, कि फ्रेम रेट सही आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सब चीज़ें प्रॉपर आ पा रही हैं कि नहीं आ पा रही हैं। तो हम देख लेते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। मुझे लगता है दोस्तों स्क्रीन बहुत अच्छी चल रही है और इसका FPS भी बहुत अच्छा आ रहा है, कमाल का आ रहा है। मतलब मैं कहूँ तो प्लेस्टेशन 2 से ज़्यादा गेम की जो मूवमेंट है वो इसमें ज़्यादा अच्छी आ रही है। और आई भी क्यों ना, क्योंकि इसका प्रोसेसर इतना हाई है और बहुत मज़ा आ रहा है गेम को खेलने का। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने प्लेस्टेशन 2 की गेम्स नहीं खेली, प्लेस्टेशन 3 के बाद गेम खेलना शुरू किया है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे का सौदा होने वाला है। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि अब हम पॉल से लड़ाई कर लेते हैं, तो 2-3 फाइटें खेलकर देख लेते हैं कि कैसी चल रही हैं गेम्स। वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया कि बहुत ही मज़ा आ रहा है खेलने में। आप देख सकते हैं दोस्तों, ग्राफिक्स भी अच्छे हैं। मतलब एक तरह से अगर बात करें प्लेस्टेशन 2 की, ग्राफिक्स तो वही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने अपग्रेड नहीं किया डेवलपर्स ने, या उन्होंने तो ये तो सिर्फ आप एक तरह से माने कि आप इम्यूलेटर की जगह आप सीधा गेम को प्ले कर रहे हैं PKG फाइल में कन्वर्ट करके। पर बाकी जो इसका एक्सपीरियंस है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने प्लेस्टेशन 2 का इम्यूलेटर अपने PC में यूज़ किया है, उसमें भी इतने अच्छे ग्राफिक्स और इतनी अच्छी मूवमेंट गेम की, यानी कि जिसे हम बोलते हैं फ्रेम पर सेकेंड, वो नहीं आती। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें। तो थोड़ी पटकी शटकी भी ले लेते हैं, ये लेने दे जब भी तो अरे यार ये तो उल्टा हमारी पटकी ले रहा है। जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया, हमने पॉल की धज्जियाँ उड़ा दी, धज्जियाँ। तो मुझे लगता है कि हमने खेल ली 2 फाइट्स। तो अब आपको दिखाते हैं हम गॉड हैंड जो गेम है, अब हम आपको दिखाने वाले हैं गॉड हैंड गेम का एक्सपीरियंस, वो इस गेम में कैसे चलती है। दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया कि टेकन 5 गेम को हमने प्ले किया, इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से प्ले हो पा रही है और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने हमारा वीडियो पूरा देख लिया है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी डाउट्स थे बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को लेकर, प्लेस्टेशन की प्रीवियस गेम्स को लेकर, वो आज आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है, आपका कोई डाउट है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो हम आपका उसका जवाब ज़रूर देंगे। साथ में आप किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं जिसमें आपका कोई डाउट हो या कोई सवाल हो, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उसकी भी वीडियो लेकर आएँ। और आप हमारे चैनल पर और क्या कंटेंट अलग से देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा बना है, मैंने अच्छी तरह से डिटेलिंग में आपको सब चीज़ें समझाई हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने नए चैनल को उठाने के लिए, तो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, थोड़ा कमेंट्स हमें करते रहेंगे तो हमें भी थोड़ी एनर्जी मिलती रहेगी काम करने के लिए। बाकी हिंदी में लाइव स्ट्रीम हम वीडियोस की करते रहते हैं नई नई गेम्स की। इस साल 2018 की अगर मैं बात करूं तो अपकमिंग्स बहुत सारे टाइटल्स हैं, जो मैं अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 टाइटल हैं जो हम लाइव स्ट्रीम हिंदी में आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और साथ में आप चाहते हैं कि प्लेस्टेशन 2 का, जैसे इसमें हमने आपको डिस्क्राइब किया, आप चाहते हैं प्लेस्टेशन 3 का, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो इसमें तो हम सारी चीज़ें नहीं क्लियर कर सकते थे। अगर आप चाहते हैं प्लेस्टेशन 3 या उससे भी आगे का, वैसे आप जो तरीका मैंने आपको प्लेस्टेशन 2 का समझाया उसी तरह से आप प्लेस्टेशन 1 एंड प्लेस्टेशन 3 की भी गेम्स को प्ले कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल है, डाउट है,
तो प्लीज़ आप उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर कहेंगे PS3 के लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएं या 1 के लिए वीडियो बनाएं, तो हम आपके लिए वो भी बना देंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन आप सबके लिए लेकर आए एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। नमो कार चैनल लेकर आया है घर बैठे कमाओ ऑफर, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी भाग ले सकते हैं। जिस चैनल पर हम आपके एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपका IQ लेवल भी टेस्ट करेंगे, जिसमें पूछे जाएंगे आपसे कुछ खास सवाल, जिसका आंसर जो सबसे पहले देगा उसके अकाउंट या पेटीएम में पैसे पहुंच जाएंगे। घबराइए मत, सवाल कोई बवाल नहीं होंगे, बस आपको हमारी हर वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखनी होगी। तो दोस्तों, नगद इनाम पाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने जवाबों के साथ साथ अपना नाम और पेटीएम नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा। तो ध्यान से देखते रहिए नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर भी दिया हुआ है। तो आज ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो प्लीज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें, और अपने दोस्तों रिलेटिव सभी को बता दो यार आपके लिए ये जो ऑफर लेकर आए हैं बहुत ही दमदार है। मुझे लगता है कि आपको जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तब तक के लिए हेलो फ्रेंड्स, पहला इंडियन कपल जो सबसे पहले एक्सबॉक्स एंड प्लेस्टेशन की सभी लेटेस्ट गेम्स आपके लिए हिंदी में लाइव करता है, तो प्लीज हमारे चैनल नमोकार गेमिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो हो जाए।